कुछ साल पहले साइंटिस्ट को दूर गहन अंतरिक्ष में दो ब्लैक होल एक दूसरे के आसपास नाचते हुए दिखाई दिए। बहुत बड़े आकार वाले इन ब्लैक होल्स की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है। ये पृथ्वी से 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जितना प्रकाश की किरण एक साल में तय करती है। ब्लैक होल वास्तव में कोई छेद नहीं है, ये तो मरी हुई तारों की अवशेष है। करोड़ों अरबों सालों के गुजरने के बाद किसी तारे की जिंदगी खत्म होती है और ब्लैक होल का जन्म होता है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ब्लैक होल के बारे में तो जरूर सुना होगा, इसे लेकर आपके अंदर जिज्ञासा भी उठती होगी कि ये क्या है, कैसा होता है, क्या इसका रंग काला होता है या फिर इसी तरह के कुछ और सवाल। ब्लैक होल एक एस्ट्रोनॉमिकल शक्ति है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र काफी शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी। ब्लैक होल में एक तरफा सतह होती है जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं, लेकिन उससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसके बारे में यहाँ तक कहा गया है कि ये स्पेस में ऐसा भंवर या गर्त है जिसमें फंसकर हम नीचे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। जब कोई विशाल तारा मरता है तो अपने भीतर की ओर गिर पड़ता है। गिरते गिरते ये इतना सिकुड़ जाता है और भारी हो जाता है कि सब कुछ अपने अंदर समेटने लगता है। इसकी ओर जाती गैस तपने लगती है और एक्स किरण छोड़ने लगती है। बस इसी से वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के होने का अनुमान लगाया। हालांकि अभी तक मौजूद किसी भी थ्योरी या सिद्धांत से इसे पूरी तरह समझना असंभव रहा है। ब्लैक होल तेज और चमकते सूरज या किसी दूसरे तारे के जीवन का आखिरी पल होता है और तब इसे सुपरनोवा कहा जाता है। तारे में हुआ विशाल धमाका उसे तबाह कर देता है और उसके मटेरियल अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। इन पलों की चमक किसी गैलेक्सी जैसी होती है। मरने वाले तारे में इतना आकर्षण होता है कि उसका सारा पदार्थ आपस में बहुत गहनता से सिमट जाता है और एक छोटे काले बॉल का आकार ले लेता है। इसके बाद इसका कोई साइज नहीं होता, लेकिन घनत्व अनंत रहता है। ये घनत्व इतना ज्यादा है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सिर्फ सापेक्षता के सिद्धांत से ही इसको समझाया जा सकता है। ब्लैक होल इसके बाद ग्रह, चांद, सूरज सहित सभी अंतरिक्षी पिंडों को अपनी ओर खींचता है। जितने ज्यादा पदार्थ इसके अंदर आते हैं, इसका आकर्षण बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि ये प्रकाश को भी सोख लेता है। सभी तारे मरने के बाद ब्लैक होल नहीं बनते। पृथ्वी जितने छोटे तारे तो बस सफेद छोटे कण बनकर ही रह जाते हैं। इस मिल्की वे गैलेक्सी में दिख रहे बड़े तारे न्यूट्रॉन तारे हैं, जो बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाले पिंड हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल को उनके आकार के आधार पर अलग करते हैं। ब्लैक होल छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी। वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे ब्लैक होल्स एक एटम के बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन इनका मास एक बड़े पहाड़ जितना होता है। एक दूसरे प्रकार का ब्लैक होल भी होता है जिसे स्टेलर कहते हैं। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 20 गुना ज्यादा होता है। पृथ्वी की गैलेक्सी में इस तरह के द्रव्यमान वाले ढेर सारे स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं। जिन ब्लैक होल्स का मास 1 मिलियन सूर्य के मास के बराबर होता है, इस तरह के ब्लैक होल्स को सुपरमैसिव कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, उसे सेजिटेरियस ए कहते हैं। इसका मास लगभग 4 मिलियन सूर्य के बराबर होता है। छोटे ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल कहे जाते हैं, जबकि बड़े वालों को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इनका वेट इतना ज्यादा होता है कि एक ब्लैक होल लाखों करोड़ों सूरज के बराबर हो जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि छोटे ब्लैक होल्स का निर्माण ब्रह्मांड की शुरुआत के साथ ही संभव हो सका। इनका निर्माण तब होता है जब सेंटर का बहुत बड़ा तारा खुद से इसके अंदर गिर जाता है। इस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तभी बने थे जब गैलेक्सी का निर्माण हुआ था। ब्लैक होल को कभी देखा नहीं जा सकता, ना ही इनका कोई आकार होता है और ना ही ये कोई पिंड होते हैं, बल्कि सिर्फ इनकी कल्पना की जा सकती है कि अंतरिक्ष में कोई जगह कैसी है। रहस्यमय ब्लैक होल को सिर्फ उसके आसपास चक्कर लगाते भंवर जैसी चीजों से पहचाना जाता है।
1972 में एक्सरे बाइनरी स्टार सिग्नस X1 के रूप में सामने आया ब्लैक होल सबसे पहला ब्लैक होल था जिसकी पुष्टि हुई। शुरुआत में तो रिसर्चर इस बात पर एकमत ही नहीं थे कि ये कोई ब्लैक होल है या फिर कोई बहुत बड़ा न्यूट्रॉन स्टार है। बाद में इसका मास न्यूट्रॉन स्टार के मास से भी ज्यादा निकला। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अब तक का सबसे विशाल ब्लैक होल ढूंढ निकाला है। ये अपने मेजबान गैलेक्सी ADC-1277 का 14% द्रव्यमान अपने अंदर लेता है। ब्लैक होल के पार देखने का सपना कभी खत्म नहीं होता। ये एस्ट्रोनॉमर को हमेशा नई पहेलियां देते रहता है। अब सवाल उठता है कि क्या हमारी पृथ्वी किसी ब्लैक होल में समा सकती है? तो बता दें कि अभी तक ऐसा कोई भी ब्लैक होल नहीं है जिसकी ग्रेविटी इतनी तेज हो जो पृथ्वी को अपने अंदर निकल सके। अगर कोई ब्लैक होल सूर्य के बराबर बड़ा भी हो जाए तो भी हमारी पृथ्वी उसके ऑर्बिट में होगी जैसे अभी सूर्य की ऑर्बिट में है। और कोई भी ब्लैक होल अपने गुरुत्वीय घेरे में आने वाली चीजों को ही निकल सकता है, उससे बाहर की नहीं। अब आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर साइंटिस्ट ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं। जॉन मिचेल के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद भी अपने आसपास निकटतम स्थित आकाशीय पिंडों पर अपना गुरुत्वीय प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बीच में अंधेरा होता है लेकिन आसपास की चीजें उस अंधेरे की तरफ खिंच रही होती हैं, जिससे वहां पर ब्लैक होल होने की स्थिति का पता चलता है। कभी कभी ब्रह्मांड में दो तारे या दो ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते नजर आते हैं और उनके बीच में एक बहुत बड़ा काला धब्बा दिखाई देता है। इस तरह वहां पर भी ब्लैक होल होने की स्थिति का पता चलता है। ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि उसके आर पार रोशनी भी नहीं जा पाती और अंतरिक्ष में उसके आसपास या उसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर चीज को ब्लैक होल निकल जाता है। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक होल के जितने नजदीक जाते हैं उतना समय का प्रभाव भी कम होने लगता है और उसके अंदर समय का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आखिर ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? ब्लैक होल का निर्माण किस प्रकार होता है ये जानने के लिए तारे के विकास के क्रम को समझना जरूरी है। दरअसल तारे का विकास आकाशगंगा में उपस्थित धूल और गैसों के एक अत्यंत विशाल बादल से आरंभ होता है जिसे निहारिका यानी नेबुला कहते हैं। नेबुला के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है और 23-28% हीलियम और थोड़ी कम मात्रा में कुछ भारी तत्व होते हैं। जब गैस और धूल से भरे हुए बादल के घनत्व में वृद्धि होती है उस समय बादल अपने गुरुत्व के कारण कंप्रेस होने लगता है जिससे क्लाउड के सेंटर में ताप और दाब में वृद्धि हो जाती है। उस समय ये इतना ज्यादा हो जाता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में टकराने लगते हैं और हीलियम के न्यूक्लियस का निर्माण करने लगते हैं। ऐसे तारों के अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन आरंभ हो जाता है। तारों के अंदर ये रिएक्शन एक नियंत्रित हाइड्रोजन बम विस्फोट के समान होती है। इस प्रोसेस में प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार बादल ऊष्मा और प्रकाश से चमकता हुआ तारा बन जाता है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से निकली प्रचंड ऊष्मा से ही तारों का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है जिससे तारा अधिक समय तक स्थायी बना रहता है। अंत में जब तारे के भीतर मौजूद हाइड्रोजन और दूसरे न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाते हैं तो वो अपने गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे में तारा ठंडा होने लगता है। साल 1935 में भारतीय फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अपने ईंधन को समाप्त कर चुके सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे जो अपने ही गुरुत्व के अंगेष्ट खुद को नहीं संभाल पाते हैं उस तारे के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। विस्फोट के बाद अगर उसका अवशेष बचता है तो वो बहुत ज्यादा डेंस न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। गैलेक्सी में ऐसे बहुत से तारे होते हैं जिनका मास सोलर मास से 3-4 गुना अधिक होता है। ऐसे तारों पर गुरुत्वीय खिंचाव अत्यधिक होने के कारण तारा सिकुड़ने लगता है और स्पेस टाइम विकृत यानी डिफॉर्म होने लगता है। परिणाम स्वरूप जब तारा किसी निश्चित क्रिटिकल लिमिट तक सिकुड़ जाता है और अपने ओर के स्पेस टाइम को इतना अधिक झुका लेता है कि वो अदृश्य हो जाता है। यही वे अदृश्य पिंड होते हैं जिसे अब हम ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिकी फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने साल 1967 में पहली बार इन पिंडों के लिए ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया। अगर पृथ्वी के मैटर्स का डेंस लाखों करोड़ों गुना अधिक हो जाए और इसके आकार को दबाकर
1.5 सेंटीमीटर छोटा कर दिया जाए तो ऐसी अवस्था में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी भी प्रकाश किरणों को उत्सर्जित नहीं कर सकेगी और ये एक ब्लैक होल बन जाएगी। किसी भी ब्लैक होल में मास की तुलना में डेंसिटी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर सूर्य को दबाकर इसकी 7 लाख किलोमीटर की रेडियस को 3 किलोमीटर में परिवर्तित कर दिया जाए तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य का इस प्रकार से सिकुड़ना असंभव है, क्योंकि ना तो पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है और ना ही सूर्य का। अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार एक निश्चित दूरी पर स्थित एक देखने वाले के लिए ब्लैक होल के निकट स्थित घड़ियां बहुत ही धीमी गति से चलेंगी। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण उससे दूर स्थित कोई भी देखने वाला ये देखेगा कि ब्लैक होल के अंदर गिरने वाली कोई भी वस्तु उसके होराइजन के निकट बहुत कम स्पीड से नीचे गिर रही है। उस समय उस वस्तु की सभी एक्टिविटीज अत्यंत धीमी होने लगेंगी, इसलिए वस्तु का प्रकाश अत्यधिक लाल और धुंधला प्रतीत होगा। इस प्रभाव को ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट कहते हैं। बाद में ब्लैक होल के अंदर गिरने वाली वस्तु इतनी अधिक धुंधली हो जाएगी कि दिखाई देना बंद हो जाएगी। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ब्लैक होल वैक्यूम क्लीनर की तरह व्यवहार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी वस्तु ब्लैक होल के निकट जाएगी उसे ही वो निगलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सूर्य एक ब्लैक होल बन जाए तब इसकी रेडियस 3 किलोमीटर होगी तो भी सभी ग्रहों की ऑर्बिट में कोई चेंज नहीं होगा। ब्लैक होल किसी भी ग्रह को निगल नहीं सकेगा, बशर्ते अगर वो ग्रह ब्लैक होल के निकट ना जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।